नमस्कार दोस्तों, भटनीर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू। हमारा मध्यकालीन इतिहास हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, सूफी और भक्ति आंदोलन भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जो मराठों का उदय है, मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष है, और इसमें हम देखेंगे शिवाजी को। आज हम पढ़ेंगे मराठा शक्ति का उत्कर्ष कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने देखेंगे जो मध्यकाल हमने पढ़ा है, औरंगजेब की जो मृत्यु है कब हो जाती है, 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में क्या हो जाता है, जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ही जो मुगलों का राज्य है, हम देखेंगे जो मुगलों का राज्य है वो क्या लगता है, गिरने लगता है, जिसका विघटन होना शुरू हो जाता है। जिसका विघटन इनके बाद शुरू हो जाता है, जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो दुर्बल होते हैं, नालायक होते हैं, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते। अंग्रेजों की शक्ति भी हम देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है। तो अब मुगलों का विघटन होने के बाद, अब जब मुगलों का हम देखेंगे जब विघटन शुरू हो गया, तो यहाँ पर एक नई शक्ति जो जो मुगलों को स्थान है उसे भर सकती थी, तो वो नई शक्ति कौन सी थी? वो थी मराठा शक्ति। मराठा शक्ति उस समय सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण थे मराठा। उस समय हम देखेंगे मुगलों के विघटन के बाद सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली या महत्वपूर्ण देखेंगे, या हम देखेंगे शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। कौन आते हैं? मराठा आते हैं 17वीं शताब्दी में। उसके बाद हम देखेंगे मराठाओं की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के बारे में हम देखेंगे मराठाओं का उदय कैसे होता है। जैसे ग्रांड ग्रांड डफ कहते हैं कि मराठाओं का जो उदय है क्या है, मराठाओं का उदय, या मराठों का उदय है जो, मराठों का उदय है जो, वो क्या है, एक आकस्मिक आकस्मिक अग्निकांड था। क्या था? एक आकस्मिक अग्निकांड था। फिर हम देखेंगे मराठों के उदय के कारण क्या रहते हैं। मराठों के उदय के अनेक कारण थे। जैसे हम देखेंगे औरंगजेब की, जो औरंगजेब है इनकी हिंदू विरोधी नीतियां, हिंदू विरोधी नीतियां थी। औरंगजेब ने पहले क्या किया, औरंगजेब पहले उत्तर भारत तक ही सीमित था, लेकिन बाद क्या किया, उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, दक्षिण भारत में भी विस्तार करना शुरू कर दिया, दक्षिण भारत में भी विस्तार करना शुरू कर दिया। इसलिए मराठे एक होने लगे तथा औरंगजेब के या मुगलों के विरुद्ध अपनी जो ध्वजा है उसे खड़ी कर देते हैं। फिर हम देखेंगे इनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं मराठों के उदय के कारण में, हम उनकी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में देखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे जो महाराष्ट्र का जो अधिकतर मराठा क्षेत्र है, यह क्या था, एक पठारी क्षेत्र था, पठारी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था। यहाँ पर इतनी जो हम देखेंगे इनकम के सोर्स इतने नहीं थे, तो इस वजह से कठोर परिश्रमी थे। जो प्रकृति थी यहाँ की, हम देखेंगे जो प्रकृति थी, यहाँ पर कठोर परिश्रम करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? कठोर परिश्रम करना पड़ता था, जिसने एक मराठाओं को एक शक्तिशाली जवाज के रूप में उभार दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो मराठा है इन्होंने गुरुला युद्ध पद्धति है जो, उसको भी अपनाया। जो हम देखेंगे मैदानी इलाकों में अभ्यस्त थे जो मुगल थे, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने के अभ्यस्त थे जो मराठा थे, इसलिए औरंगजेब की पारगर नहीं पड़ी। दूसरा हम देखेंगे जो मराठों के उदय का कारण रहता है, उसमें हम देखेंगे जो अहमदाबाद है, तत्कालीन कारण तो हम देखेंगे अहमदाबाद का विलय, मुगल साम्राज्य में अहमदाबाद का जो विलय है वो तत्कालीन कारण रहता है मराठाओं के उदय का। उसके बाद हम देखते हैं मराठों के उदय के बारे में देखेंगे तो महाराष्ट्र के जो
महाराष्ट्र के संत और कवि हैं, जो महाराष्ट्र के संत व जो कवि हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो यहाँ के लोग हैं इनमें एकता की भावना भर दी जाती है। क्या किया जाता है? एकता की भावना भर दी जाती है, उन्हें उनके पूर्वजों की गाथाएं सुनाई जाती हैं तथा उनमें हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाई जाती है। हम देखेंगे जो महाराष्ट्र के संत हैं, कवि हैं, उनके द्वारा ऐसी रचनाएं की जाती हैं कि उनमें हम देखेंगे सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता का संचार किया जाता है, किनके द्वारा? जो यहाँ के संत और कवि हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं मराठाओं का उत्कर्ष हो जाता है, धीरे धीरे मराठा एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे शिवाजी के बारे में, जो शिवाजी का स्वराज है या मराठा राज्य है। यहाँ हम शुरू करेंगे शिवाजी, इनका जो कालखंड है वो कितना रहेगा, 1627 से लेकर के हम देखेंगे 1680 तक। कब तक रहेगा? 1680 तक। दो बादशाहों का समय देखेंगे हम। देखेंगे शिवाजी का जो जन्म है वो कब होता है? 20 अप्रैल 1627 को होता है, 1627, जब हम देखेंगे मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं। मुगल बादशाह जो शाहजहां हैं गद्दी पर कब बैठते हैं? 1627 ईस्वी में। एक तो शाहजहां, दूसरा औरंगजेब का कार्यकाल ये देखते हैं मुगल काल में देखा जाए तो 1627 को इनका जन्म होता है। ये तो था इनका जन्म। अब हम देखेंगे इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था। क्या नाम था? शाहजी भोंसले। और माता जीजाबाई। सर्वाधिक प्रभाव शिवाजी पर इनका पड़ता है। हम देखेंगे जो सर्वाधिक प्रभाव है इनकी माता का रहता है, किस पर? शिवाजी पर। इनके जो पिता है, इनके पिता के द्वारा एक अन्य शादी कर ली जाती है तथा वह शिवाजी को पूना की पैतृक जागीर छोड़कर चले जाती हैं। तथा यहाँ पर हम देखेंगे जो इनकी माता जीजाबाई है, शिवाजी की माता कौन है? माता जीजाबाई। तो जीजाबाई है इनकी संरक्षक रहती है। तथा हम देखेंगे जो दादा कौणदेव हैं इनके शिक्षक थे। इनके शिक्षक कौन थे? दादा कौणदेव थे, और जिन्हें युद्ध कला में भी निपुण बनाते हैं तथा इनका संरक्षण करती है इनकी माता जीजाबाई। फिर हमने देखा औरंगजेब हिंदू विरोधी नीति के थे, तो शिवाजी क्या करते हैं? हिंदू पादशाही का अनुसरण किया जाता है तथा हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की जाती है तथा स्वयं को ब्राह्मण रक्षक कहते हैं। शिवाजी। फिर 1641 के समय जो शिवाजी का विवाह होता है, अब उनके विवाह की बात करेंगे। जो शिवाजी का विवाह है कब होता है? 1641 ईस्वी में। किससे होता है? साईं बाई निंबालकर से इनका विवाह हो जाता है। तथा इनके गुरु की बात करें, जो शिवाजी के गुरु हैं समर्थ रामदास जो हैं इनके गुरु थे, जिनके द्वारा दास बोध ग्रंथ की रचना की गई थी। और फिर से देख लेंगे हम
मराठा शक्ति के उत्कर्ष के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मुगलों का इनके बाद विघटन होना शुरू हो गया। अब मुगलों का स्थान एक ही शक्ति ले सकती थी, सबको उम्मीदें थी जिस पर, और वह शक्तिशाली थे और महत्वपूर्ण थे। उस समय जो स्थान रिक्त हो गया उसे मराठा ही भर सकती थी। कौन भर सकती थी? मराठा ही भर सकती थी, और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। और ग्रांड डफ जो है मराठों का उदय एक आकस्मिक अग्निकांड मानते हैं। कौन? ग्रांड डफ मराठों का उदय एक आकस्मिक अग्निकांड मानते हैं। और हम देखेंगे दूसरा कारण इनमें, जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां हैं मराठों के उदय का कारण बनती हैं, क्योंकि जब उत्तर भारत से वह दक्षिण भारत में मुगल राज्य का विस्तार करते हैं तो अपने शरीयत के नियमों के अनुसार चलते हैं, जो यहाँ के महाराष्ट्र के मराठा लोग हैं उन्हें रास नहीं आता। फिर है भौगोलिक परिस्थितियाँ। हम देखेंगे जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र भी देखें तो पहाड़ी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि इतना नहीं होती और यहाँ की जो प्रकृति है यह बड़ी कठोर है, तथा इस प्रकृति ने क्या किया, इनको पूरी तरह से प्रश्रमी बना दिया, इन्हें फौलाद बना दिया, तो यही कारण रहते हैं। फिर आकस्मिक या हम कहेंगे तत्कालीन कारण की बात करें मराठों का, जो तत्कालिक कारण है इनके उदय का, वह था अहमदाबाद का मुगल राज्य में विलय हो जाना। पहले अहमदाबाद की विजय में थे, अहमदाबाद की राज्य की सेवा में थे, लेकिन मुगलों के द्वारा इसे विजित कर लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र के जो संत व कवि थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, बड़ा योगदान दिया जाता है मराठाओं की एकता में, उनमें एकता की भावना भर दी जाती है, उनके पूर्वजों की गाथाएं उन्हें सुनाई जाती हैं, और सामाजिक व राजनीतिक रूप का जो उनकी सामाजिक राजनीतिक जागरूकता है उनमें उत्पन्न की जाती है, उसका संचार किया जाता है, इसी से होता है। यही कारण रहते हैं मराठाओं के राज्य के उत्कर्ष के। और यहाँ पर हम देखेंगे जो मराठा राज्य है, मराठा राज्य में हम देखेंगे शिवाजी, शिवाजी का जन्म कब होता है, 1627, और इनका काल रहता है 1627 से लेकर के 1680 तक। जन्म होता है इनका 20 अप्रैल 1627 को, जब मुगल बादशाह जो शाहजहां है गद्दी पर बैठते हैं। और इनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोंसले था, और इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई था, जिनका सर्वाधिक प्रभाव शिवाजी पर पड़ता है। अब शाहजी भोंसले हैं जो, इनके द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है, किन के साथ, तुकाबाई मोहिते के साथ, तुकाबाई मोहिते के साथ इनकी दूसरी शादी कर ली जाती है, जिनसे व्योकंजी नामक एक पुत्र प्राप्त होता है और उन्हें वह कर्नाटक की जागीर सौंपते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हम देखेंगे इनकी पैतृक जागीर है, शाहजी जो भोसले हैं इनकी पैतृक जागीर है पूना, यहाँ पर जो बड़े होते हैं शिवाजी, तथा इनकी पैतृक जागीर पूना है वो शिवाजी को सौंप दी जाती है, और यहीं पर बड़े होते हैं शिवाजी। और शिवाजी की जो माता है इनकी संरक्षक रहती है, शिवाजी की माता जो इनकी संरक्षक रहती है जीजाबाई, और इनके शिक्षक रहते हैं दादा कोणदेव। कौन? कोणदेव, जो इन्हें युद्ध कला में अनेक कार्यों में निपुण बनाते हैं। अब शिवाजी हम देखते हैं यहाँ पर हिंदू पद पातशाही धारण करते हैं, तथा हिंदू धर्मो उद्धारक की उपाधि धारण करते हैं, और ब्राह्मण तथा गोरक्षक भी स्वयं को कहते हैं शिवाजी। फिर देखते हैं इनकी विवाह की बात करें, इनके विवाह की बात करें तो 1641 ईस्वी में इनका विवाह साईंबाई निम्बालकर से होता है, साईंबाई निम्बालकर से होता है। तथा इनके गुरु की बात करें तो इनका गुरु है समर्थ रामदास, जिनके द्वारा दासबोध ग्रंथ की रचना की जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो शिवाजी हैं, शिवाजी सर्वप्रथम हम देखेंगे सर्वप्रथम क्या करते हैं, 1643 ईस्वी में जो सिंहनगढ़ दुर्ग है, या हम देखेंगे सिंगनगढ़ का दुर्ग है, उसे जीत लेते हैं, या हम देखेंगे विजित कर लेते हैं। उसके बाद उनका अगला हमला होता है 1646 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में वो पुरंदर का किला जीत लेते हैं। कौन सा? पुरंदर का दुर्ग भी जीत लेते हैं। किससे? नीलोजी नीलकंठ से, नीलोजी नीलकंठ से वह पुरंदर का जो दुर्ग है उसे भी जीत लेते हैं। इसके बाद देखते हैं समय आता है 1657 का, यहाँ पर हम देखेंगे जो शिवाजी है, शिवाजी पहली बार
मुगलों से यहाँ पर संघर्ष करती है। किससे? पहली बार मुगलों से शिवाजी का संघर्ष कब होता है? तो कब होता है? 1657 ईस्वी में होता है। वह बीजापुर की ओर से है, बीजापुर की ओर से मुगलों से लड़ते हैं या संघर्ष करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बीजापुर के शासक के द्वारा क्या किया जाता है, शिवाजी को समाप्त करने के लिए, शिवाजी हैं उन्हें समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, अफजल खान को भेजा जाता है। किसे भेजा जाता है? अफजल खान को भेजा जाता है। लेकिन इसकी भनक शिवाजी को पहले ही लग जाती है और शिवाजी क्या करते हैं, अफजल खान की एक भगनक नामक हथियार से शिवाजी क्या करते हैं, अफजल की हत्या कर देते हैं। कब? 1659 ईस्वी में अफजल खान की हत्या कर दी जाती है शिवाजी के द्वारा। उसके बाद देखते हैं हम 1660 ईस्वी में क्या होता है, जो औरंगजेब है, औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है, औरंगजेब के द्वारा दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है शाइस्ता खान को, दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। किसे? शाइस्ता खान को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। और 1663 की रात हम देखते हैं, 1663 में हम देखते हैं जो शाइस्ता खान है, पूना के लाल महल में विश्राम कर रहे थे अपने शिविर में, या पूना के लाल महल में विश्राम कर रहे थे शाइस्ता खान, और शिवाजी द्वारा 1663 में इन पर आक्रमण कर दिया जाता है। शिवाजी द्वारा क्या किया जाता है, इन पर आक्रमण कर दिया गया। और इस आक्रमण में क्या होता है, जो शाइस्ता खान है भाग जाते हैं, शाइस्ता खान भाग खड़े होते हैं, यहाँ पर भाग खड़े हुए, और इनके पुत्र की यहाँ पर हत्या कर दी, पुत्र की क्या कर दी, हत्या कर दी जाती है मराठों द्वारा। और यहाँ पर शाइस्ता खान जो है, इनके हाथों की उंगलियाँ भी कट जाती हैं। क्या होता है, इनकी उंगलियाँ हैं जो यहाँ पर कट जाती हैं। इस प्रकार से 1663 में शाइस्ता खान को भी परास्त कर दिया जाता है। इसके बाद अगला वर्ष आता है, हम देखेंगे 1664 का काल आता है। कौन सा आता है? 1664 का। 1664 में हम देखेंगे जो शिवाजी हैं, शिवाजी के द्वारा क्या किया जाता है, शिवाजी के द्वारा सूरत पर आक्रमण कर दिया जाता है। और यहाँ का सूबेदार था इनायत खान यहाँ से भाग खड़ा होता है। यहाँ का सूबेदार कौन था? इनायत खान था। और ये इनायत खान यहाँ से भाग जाता है। लेकिन सूरत में शिवाजी क्या करते हैं, सूरत में जो अंग्रेजों की कोठियाँ हैं या व्यापार है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते शिवाजी। इससे पहले हम इसे फिर रिपीट कर लें, शिवाजी के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे 1643 ईस्वी में क्या किया जाता है, सिंहगढ़ के दुर्ग को या सिंगनगढ़ के दुर्ग को विजित किया जाता है। अगला सन आता है 1646, इसमें पुरंदर दुर्ग को नीलोजी नीलकंठ से विजित कर लिया जाता है शिवाजी के द्वारा। उसके बाद 1657 ईस्वी में शिवाजी क्या करते हैं, पहली बार बीजापुर की ओर से मुगलों से फिरते हैं शिवाजी। शिवाजी की पहली मुठभेड़ हम देखेंगे मुगलों से कब होती है, बीजापुर की ओर से 1657 में होती है। अब हम देखेंगे जो मराठों की पहचान है, सर्वप्रथम जो मराठों के महत्व को समझा जाता है वो जहांगीर के द्वारा। हम देखेंगे जो मुगल बादशाह जहांगीर थे, कौन थे, जहांगीर थे। जहांगीर के द्वारा हम देखेंगे सर्वप्रथम मराठों को सेना में भर्ती किया जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा किया जाता है। और इनका संघर्ष कब होता है, 1657 में बीजापुर की ओर से जो मुगलों का मराठों का संघर्ष है, शिवाजी का संघर्ष है, 1657 में होता है। अब किया क्या जाता है, बीजापुर के शासक के द्वारा
शिवाजी को समाप्त करने के लिए किसे भेजा जाता है? बीजापुर के शासक के द्वारा अफजल खान को भेजा जाता है, और यहाँ पर शिवाजी को इसकी भनक लग जाती है। हम देखेंगे महाराष्ट्र के जंगलों में प्रताप नगर के पास एक पार नामक स्थान है, उस स्थान पर इनकी मुलाकात होती है, लेकिन इसकी भनक पहले शिवाजी को लगती है कि उसकी हत्या करने के लिए भेजा गया है, तो वो एक गुप्त हथियार भगनक लेते हैं अपने साथ, और इनसे जब मुलाकात करते हैं अफजल से, तो उन्हें भगनक हथियार से मार डालते हैं। उसके बाद देखते हैं औरंगजेब क्या करता है शिवाजी को समाप्त करने के लिए। 1660 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण का जो गवर्नर है किसे नियुक्त करता है? शाइस्ता खान को नियुक्त करता है, शाइस्ता खान को नियुक्त करता है, और शाइस्ता खान क्या करता है, पूना में जब रात्रि के समय विश्राम कर रहा होता है लाल महल में, तो 1663 ईस्वी का समय था, और 1663 ईस्वी में जो शिवाजी है, शिवाजी के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। किस पर? शाइस्ता खान पर। शाइस्ता खान यहाँ से भाग खड़ा होता है, और शाइस्ता खान का यहाँ पर एक पुत्र है जिसकी हत्या हो जाती है, और शाइस्ता खान की दोनों उंगलियाँ यहाँ पर एक हाथ की कट जाती हैं। इसके बाद आता है 1664 का समय। 1664 में शिवाजी क्या करते हैं, 1664 में शिवाजी क्या करते हैं, सूरत पर आक्रमण कर देते हैं, और यहाँ का सूबेदार उस समय कौन था? सूबेदार रहेगा यहाँ का इनायत खान। सूरत का सूबेदार कौन था जब 1664 में शिवाजी ने वहाँ पर आक्रमण किया? इनायत खान था, और ये सूबेदार यहाँ से भाग निकलता है। उस समय हम देखेंगे यहाँ पर अंग्रेज कोठियाँ भी निर्मित थी, अंग्रेज कोठियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता यहाँ पर शिवाजी के द्वारा। इसके बाद समय आता है 1665 का, 1665 का, औरंगजेब के द्वारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो औरंगजेब है, औरंगजेब क्या करते हैं, यहाँ पर जो शिवाजी हैं, शिवाजी का रोल फिनिश करने के लिए, समाप्त करने के लिए किसे भेजते हैं? आमेर के राजा जय सिंह को। आमेर के राजा जय सिंह को, कहाँ का शासक था ये? आमेर का राजपूत शासक जो है राजा है जय सिंह को यहाँ पर भेजते हैं, और जय सिंह और शिवाजी के मध्य एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है। कब होती है? जून 1665 में होती है। यहाँ पर राजा जयसिंह कहते हैं कि हम शिवाजी को व्रत में केंद्र की तरह बांध लेंगे, केंद्र की तरह बांध लेंगे किसे? शिवाजी को। यहाँ पर संधि होती है दोनों में, जयसिंह में और शिवाजी में। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है, और पुरंदर की जो संधि है इसकी शर्तें क्या रहती हैं? इसकी शर्तों में हम देखेंगे जो शिवाजी हैं, शिवाजी क्या करते हैं, अपनी 400,000 हुण, यहाँ से 400,000 हुण की आय होती है, आय वाले जो दुर्ग हैं, आय वाले 23 दुर्ग मुगलों को सौंप देती है। किन्हें? मुगलों को सौंप देती है। इनके पास 100,000 आय वाले, 100,000 आय वाले केवल 12 दुर्ग बचते हैं 35 में से। 100,000 हुण आय वाले 12 दुर्ग बचती हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे जो इनके पुत्र हैं संभाजी, शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, इन्हें 5,000 मनसबदार बनाया जाता है, मनसबदार यहाँ पर बनाया जाता है, और शिवाजी निजी रूप से यहाँ पर मुक्त रहेंगे दरबार में आने से। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर शिवाजी वचन देते हैं, शिवाजी क्या करते हैं, शिवाजी वचन देते हैं कि वह मुगलों का साथ देंगे बीजापुर के विरुद्ध, मुगलों का साथ देंगे बीजापुर के विरुद्ध, उनका साथ देंगे, ये शर्तें इनके मध्य होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, जय सिंह के कहने पर जो शिवाजी हैं, शिवाजी क्या करते हैं, औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। औरंगजेब के हम देखेंगे
दरबार में जाते हैं, दरबार में चले जाते हैं। मान लीजिए ये औरंगजेब का दरबार है, यहाँ पर औरंगजेब बैठे हुए हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर मनसबदारों की लाइनें लगी होती हैं। किनकी? मनसबदारों की लाइनें लगी होती हैं। तो शिवाजी यहाँ पर हम जैसे देखेंगे 7000 मनसब है, यहाँ पर हम देखेंगे 5000 मनसबदार हैं, यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे 3000 के मनसबदार हैं। इस प्रकार से ये लाइनें लगी होती थी। तो शिवाजी को 5000 जो मनसबदार हैं इस लाइन में खड़ा किया जाता है। किसको? शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में। और शिवाजी क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। शिवाजी नाराज हो जाएंगे यहाँ से। इसका कारण क्या रहता है? क्योंकि इससे पहले जो हैं जसवंत सिंह हैं, जो जोधपुर के शासक, जसवंत सिंह को परास्त किया था। परास्त किया था किसने? शिवाजी द्वारा जसवंत सिंह को परास्त किया गया था। और जो जसवंत सिंह हैं वो इस लाइन में शिवाजी से आगे खड़े होते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि एक परास्त व्यक्ति की पीठ पीछे एक विजेता खड़ा, तो वहाँ से दरबार छोड़कर चले आते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। शिवाजी को क्या किया जाता है यहाँ पर? कैद कर लिया जाता है। लेकिन भाई जो जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके भाई की उनसे शक्ल मिलती जुलती थी, वो कैद खाने में उन्हें छोड़कर तथा फलों के टोकरों में बैठकर वहाँ से भाग आते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1670 ईस्वी में क्या होता है, 1670 ईस्वी का जब सन आता है, तो इस समय जो शिवाजी है, शिवाजी का संघर्ष पुनः शुरू हो जाता है किनके साथ? मुगलों के साथ। मुगलों से इनका जो संघर्ष है पुनः शुरू हो जाता है। और 1670 ईस्वी में, कब? 1670 ईस्वी में यहाँ पर हम देखेंगे जो सूरत शहर है, सूरत शहर है, इसे दूसरी बार लूटा जाता है। किसके? शिवाजी के द्वारा दूसरी बार लूटा जाता है। अब आता है 1674 का समय। 1674 में शिवाजी क्या करते हैं, जो शिवाजी हैं अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। किससे? काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। कहाँ पर करवाते हैं? रायगढ़ के दुर्ग में। किसका राज्याभिषेक होता है? शिवाजी का। किनके द्वारा? गंगा भट्ट के द्वारा। कब? 1674 ईस्वी में, रायगढ़ के दुर्ग में। इसके बाद हम देखेंगे जो शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक है, कब होता है? अक्टूबर 1674 में। किसके द्वारा होता है? निश्चलपुर के स्वामी गोस्वामी के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया जाता है। फिर हम देखेंगे शिवाजी का जो अंतिम अभियान रहता है, अंतिम का महत्वपूर्ण जो अभियान है वो कौन सा रहेगा और कब होगा? 1677 और 78 ईस्वी में होता है। किसके विरुद्ध होता है? बीजापुर के विरुद्ध होता है। और यह इनका अंतिम अभियान था। गोलकुंडा के मंत्री मदन्ना के सहयोग से बीजापुर को विजित करते हैं और यह उनका अंतिम अभियान रहता है। इसी के साथ ही हम देखेंगे जो 1680 का सन है, 1680 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, या हम कहेंगे शिवाजी का निधन हो जाता है। शिवाजी का निधन 1680 में रायगढ़ के दुर्ग में इनका निधन हो जाता है। तो फिर से देख लेंगे हम जो शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा है। 1665 ईस्वी में शिवाजी को समाप्त करने के लिए अमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह हैं, उनको भेजते हैं औरंगजेब। किन्हें?
औरंगजेब भेजते हैं जयसिंह को। औरंगजेब का जो यहाँ पर सेनापति जयसिंह इधर आता है और शिवाजी के मध्य एक संधि होती है, पुरंदर की संधि, जून 1665 में यह संधि होती है। और इस संधि की जो शर्तें रहती हैं, वो संधि की शर्तें क्या रहेंगी? संधि की शर्तें होंगी शिवाजी 4 लाख होण वाले, 4 लाख होण वाले अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंप देते हैं। उनके पास बसते हैं 12 दुर्ग जिनकी 1 लाख आय रह जाती है। संभाजी को 5,000 मनसबदार बनाया जाता है, मुगल दरबार में वहाँ पर भेजा जाएगा। शिवाजी को वचन देते हैं कि वह मुगलों का साथ देंगे बीजापुर के विरुद्ध। औरंगजेब हम यहाँ पर देखेंगे, जो औरंगजेब हैं, औरंगजेब के दरबार में पहुँचते हैं जब शिवाजी, तो शिवाजी यहाँ से नाराज होकर चले आते हैं। नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे हारा हुआ व्यक्ति 7,000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा होता है, तो 5,000 की पंक्ति में रोका जाता है शिवाजी को, जिसे वह अपना अपमान समझते हैं और औरंगजेब के द्वारा इस गुस्ताखी के कारण उसे कैद कर लिया जाता है। लेकिन कैद से वह भाग छूटते हैं, लेकिन शिवाजी अवसर देखते हैं 1670 ईस्वी में पुनः मुगलों के साथ इनका जो संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। कब होता है पुनः संघर्ष? 1670 ईस्वी में। 1670 में सूरत शहर को दूसरी बार लूटा जाता है शिवाजी के द्वारा, और 1674 में शिवाजी के द्वारा काशी के विद्वान गाग भट्ट या गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया जाता है रायगढ़ के दुर्ग में। कहाँ? रायगढ़ के दुर्ग में 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया जाता है। फिर आती है बात दूसरे राज्याभिषेक की। शिवाजी अपना दूसरा राज्याभिषेक कब करवाते हैं? दूसरा राज्याभिषेक 1674 अक्टूबर 1674 में निश्चलपुर के गोस्वामी से करवाते हैं। और शिवाजी का अंतिम यह बयान रहता है जो 1677 से 1678 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध मदन्ना के सहयोग से वह इसे जीत लेती है। उसके बाद हम देखेंगे जो 1680 का सन आता है। कौन सा? 1680 का सन आता है। रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का यहाँ पर निधन हो जाता है। इसी के साथ एक महान योद्धा मिट्टी में विलीन हो जाता है। इसके बाद हम अगली कक्षा में देखेंगे जो शिवाजी का प्रशासन है, जो उसकी गतिविधियाँ हैं। तब तक के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।